गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू चेंज योर ओपिनियन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू चिल्ड्रन लाइक टू चेंज देयर ओपिनियन. वेल इट इज ह्यूमन नेचर दैट पर्सन चेंजेस व्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन. If we talk about children, I think it is a little bit hard as compared to adults, because adults consider many things while making an opinion about a thing and person. But children are very emotional, so sometimes it is difficult for them to find out what is right and wrong. That's why it is tough for children to change their opinion. कह सकते हैं कि ये ह्यूमन का नेचर होता है इंसान का कि वो अपने टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो ओपिनियन है अपने विचार वो चेंज करता रहता है. बट अगर बच्चों की बात की जाए तो बड़ों से अगर कंपेयर करते हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनको समझ सही गलत की समझ नहीं होती. क्योंकि बड़े लोग जब अडल्ट पीपल जो करते हैं ओपिनियन किसी चीज़ अपने विचार पेश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो कंसीडर करते हैं पहले, देन वो बोलते हैं उसके बारे में. पर बच्चे इमोशनल होते हैं, उनको सही गलत के बारे में पता नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि एक बार ओपिनियन अपने उस चीज़ के लिए बना लिया तो दूसरी बार उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल और परेशानी आती है क्योंकि उसके साथ वो इमोशनली अटैच होते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू पीपल चेंज देयर ओपिनियन. एज I said earlier, it is part of human nature. जैसे मैंने पहले बोला था कि human nature का ये part है कि whenever people find new information about the thing or person, they think about it and then change their opinion if required. Otherwise, they can face failure or guilt throughout the life. कि अगर इंसान को अगर लोगों को कोई नई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में मिलती है तो वो उसके बारे में अपनी राय चेंज कर लेती अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो. क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करते तो सारी उम्र उनको एक गिल्ट जी शर्मिंदगी रहती है कि वो उनके बारे में पहले गलत सोचते थे पर वो उनका सही नेचर ये बना. क्वेश्चन नंबर थ्री, हुम डू यंग पीपल टर्न टू फॉर एडवाइस. किसके इससे एडवाइस लेना वो पसंद करते हैं और कह सकते हैं कि इससे एडवाइस वो लेते हैं. आई थिंक द यंग पीपल टर्न टू फ्रेंड्स फैमिली एंड समटाइम देयर सीनियर्स फॉर गाइडेंस. दे सेलेक्ट वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दे टेक अ सजेशन फ्रॉम टीचर्स टू चूजिंग करियर एंड फॉर पर्सनल लाइफ दे प्रेफर टू टेक एडवाइस फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स. अगर करियर की बात की जाए तो मोस्टली जो स्टूडेंट अपने टीचर्स की एडवाइस लेना पसंद करते हैं क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स को नॉलेज होती है किस करियर में किस फील्ड में कौन सी स्कोप कितना है, कौन कौन सी जॉब कैसी जॉब रिक्वायरमेंट वहाँ पे है. पर अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जो बच्चे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स या कई बार अपने फ्रेंड्स से सलाह लेना पसंद करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, डू पीपल लाइक गिविंग एन ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स. येस, नाउडेज पीपल आर मोर पोलिटिकली एक्टिव. दे थिंक अबाउट द न्यू रूल्स एंड लॉज दैट अ गवर्नमेंट इशू. दे रेज देयर वॉइस इफ दे फाइंड समथिंग रॉन्ग फॉर देयर राइट्स. आजकल की बात की जाए तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं पीपल क्योंकि मीडिया ने हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन तक पहुंचाता है. जब भी कोई गवर्नमेंट नया रूल या कोई कानून पास करती है तो वो चेक करते हैं. अगर वो उनके हक में नहीं लगता तो वो अपनी आवाज उठाते हैं कि ये गलत है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है. डू यू थिंक that suggestion questionnaire and survey are the good way of finding out the people's opinion? Yes, it is the best way to get people's opinion. In that way people get chance to express their feelings, thoughts in front of the government. मेरे ख्याल से जो कि एक सर्वे होता है वो एक अच्छा तरीका है लोगों की सलाह लोगों के विचार इकट्ठे करने का. क्योंकि ऑफिस में जाकर तो कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर. तो अगर वो सर्वे कोई लोग कर रहे हैं तो
वो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के पास, जो एम्प्लॉयज हैं लोगों के पास जाएंगे, उनकी राय पूछेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज भी कर सकती है. सो ये वाला बेस्ट तरीका लगता है. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट रीजन माइट पीपल हैव फॉर नॉट वॉन्टिंग टू गिव देयर ओपिनियन. कौन से रीजन हो सकते हैं कि लोग अपना जो ओपिनियन नहीं देना चाहते, नॉट वॉन्टिंग टू गिव देयर ओपिनियन. देर आर मैनी सिचुएशंस इन विच पीपल डू नॉट वॉन्ट टू गिव देयर ओपिनियन. बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी, जिसमें वो अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते. वेन पीपल सॉ द गवर्नमेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन देयर व्यूज, दे डू नॉट वॉन्ट टू गिव देयर ओपिनियन. मोर ओवर वेन पीपल्स डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड इवन आफ्टर दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स, दे थिंक इट इज यूजलेस टू गिव देयर ओपिनियन. बहुत सारे सिचुएशन होती है यहाँ पे वो अपना विचार नहीं पेश करना चाहते. यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि जैसे गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करवा लिया, वो अच्छा तरीका है व्यूज़ को जानने का, पर गवर्नमेंट ने उसका कोई आंसर या कुछ उनके बारे में सोचा ही नहीं है, वो एक जगह पे रख दिया और अपने बेस पे उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो इस कंडीशन में वो अपना विचार नहीं देना चाहते. दूसरी तरफ कि उन्हें लगता है कि हमने अपने थॉट्स एक्सप्रेस अपने आइडियाज गवर्नमेंट के सामने रखे, पर उसके बावजूद भी उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो उनके लिए ये बेकार हो जाता कि अपने ओपिनियन दे या नहीं ना दे, तो बात एक ही बराबर हो जाती, उनकी डिमांड्स पूरी हो नहीं रही. तो इन सारी सिचुएशंस में पीपल डू नॉट वॉन्ट टू गिव देयर ओपिनियन. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन. इफ यू लाइक द क्वेश्चन एंड आंसर, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.